ये पिटी आज, ये गई बेटे, बहुत गंदा मजाक कर रहा है। रुक 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 रुक, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, रुक 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 रुक, तू गई बेटे, तू गई। मेरा नींबू से नीचे गिर गया, फिर दिक्कत तो नहीं है, इन लोगों को लगेगा तो नहीं मैं गरीब घर की। चलो बैठो यार इसमें। इन्हें ना हिसाब किताब नहीं बनिया चीनी का, थोड़ी जी लिटल बिट ऑफ चीनी, लिटल बिट ऑफ दूध, मोर ऑफ वाटर। एक्सक्यूज मी, हाँ जी आपसे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बजा, घंटी घंटी किधर है, घंटी, अबे मंदिर आया क्या? What's up everyone, कैसे हैं आप सब लोग? काफी ज्यादा लेट हो गए, जूते चमका लूं और निकलूं। टाइटल आपने पढ़ी लिया होगा कि हम जा रहे हैं ताज, क्योंकि लास्ट हमारी बात हुई थी उससे ट्रीट की, उसने लास्ट वीडियो में भी नहीं दी थी, तो आज बोला है कि ठीक है चलते हैं ताज चलते हैं। और शर्त कह लीजिए या पॉकेट कह लीजिए, डिसाइड ये किया है कि बस से आएंगे, वो भी अपने घर से बस से आएगी, ठीक है, और मैं भी यहाँ से बस से जाऊँगा। क्यों भाई, ज़्यादा बजट है नहीं आज का, ताज भी जाना है, वहाँ पर भी खर्चा होगा, तो बेटर है या तो पेट्रोल के खर्च लो या ऐसे खर्च लो, साफ कहना सुखी रहना। अब मैं रेडी हो जाता हूँ, फिर निकलते हैं, बाहर जाएंगे, बैटरी रिक्शा पकड़ेंगे, फिर वहाँ से बस टर्मिनल है, वहाँ से बस पकड़ेंगे धोला कुआं की। लेट्स गो, मैं कितना लेट्स गो बोलता हूँ ना, अच्छा लगता है शायद इसलिए। तो बस हमें मिल गई है धोला कुआं की, अभी पता नहीं क्या मन है बट जाना आज बस से ही है, बालों की ऐसी कैसी होगी। मास्क ऊपर कर देते हैं, आगे हम ताज के बाहर, पता नहीं अंदर जाने में थोड़ी हेजिटेशन सी हो रही है, तुझे भी हो रही है क्या? अब ऐसा नहीं है कि 5-star प्रॉपर्टी में नहीं गया, गया हूँ अपने बड़े भाइयों के साथ, खाया पिया और बाहर आ गए। यहाँ इसके गेट के बाहर गया ना, तो अंदर जाने में एक हिचकिचाहट थी, पता नहीं क्यों थी, आई गेस गाड़ी से आता तो शायद नहीं होती, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग, बस से आया हूँ तो अजीब सा लग रहा है। मैं लेके चलूं? तो तू ही लेके जाएगी और कौन लेके जाएगा? हाँ तो चलो, आज की पार्टी तेरी तरफ से, लेट्स गो। सो बिना डरे हुए और या सुनो, तुम्हारी ट्रीट की बात हुई थी ना, तुम्हें ट्रीट भी देनी है। तुम्हारी ट्रीट की बात हुई थी, हमारी ट्रीट की बात हुई थी, मतलब अच्छा थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। पता नहीं अंदर वीडियो बनाने देंगे नहीं देंगे। मैं ना जब बचपन में बस से या वैसे जाता था ना, तो सोचता था भाई यहाँ पर भी चाय पियेंगे, भाई यहाँ पर भी ये करेंगे, तो पता नहीं अच्छा सा लग रहा है कि अब मन किया ताज आने का, तो अच्छा लगेगा ताज आने का, तो हम ताज आ गए। अगली बार मन करेगा हयात जाने का, हयात चले जाएंगे। सो कॉमन, क्या मैं कहीं भी ट्रीट दे सकती हूँ, तुम्हें लेवल अलग है मेरा। पहले यहाँ तो खिला दे। अरे कैसी बातें करते हो, छोटी मोटी बातें मेरे साथ नहीं करनी। ये पिटी आज, ये गई बेटे, बहुत गंदा मजाक कर रहा है। रुक 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 रुक, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, रुक 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 रुक, तू गई बेटे, तू गई, ये गंदा मजाक, मतलब तू पूरी प्लानिंग करके आई थी घर से।
बात खत्म खत्म। वे मोटी ना, कोई भी अपनी माँ की कोख से मोटा पैदा नहीं होता। ये पिज्जा, ये खाने पीने फास्ट फूड चीजें सारी उसे मोटा बनने में मजबूर कर देती है। बहुत ही गंदा भाई, बहुत। तू कभी एक्टिंग ट्राई मत करियो, सजेशन है। तुम्हारे हर व्लॉग में एक्टिंग ट्राई करूंगी, देखना। घटिया भाई, मतलब तू पूरी पूरी प्लानिंग के साथ ये ट्रीट लेके आई है। घर से भी बोल रही थी आज की ट्रीट पक्की। वो सुना होगा ना, 10 रुपए के कुरकुरे, 10 रुपए की ट्रीट। आप खुश रहो और चल, इसको रख ले। कौन गाएगा ये? अब सच बोला था मम्मी से, स्पेशली 10 रुपए उधारी मांगे हैं। सैलरी आएगी तो दूंगी वापस। अब यहाँ पर चल बेटे, 1000 रुपए की बात हुई थी, 1000 रुपए की चाय कॉफी जो मन करेगा वो पिलाएगी आज तू। चाय तक ठीक है, बिस्किट हम लेके जा रहे हैं, यही खाएंगे। और वो वहाँ से लात मार के निकाल देंगे हमें, तो फिर भी हम खाएंगे। ठीक है, गिरते गिरते पड़ते हैं। बस आ गए पूरे एंट्री गेट पे, और आज देखना है कि ये पहिया पहिया वालों को रिस्पेक्ट देंगे या नहीं। वरना ओडी की कमी नहीं है, बहुत खड़ी है शोरूम में। हाँ, शोरूम में ही खड़ी है, सही बात है। अपने पास तो एल्ट्रोस है, वाह एल्ट्रोस। अरे बहुत गाड़ी है मेरे पास। और भाई मैं तो हूँ नर्वस, पता नहीं क्यों। मैं नहीं, बस घबराई हुई हूँ अंदर से बहुत ज्यादा। हाँ, नर्वस नहीं, नर्वस नहीं है ना। ज्यादा से ज्यादा मैं सोच के बैठी हूँ। हाँ, क्या करेंगे, उठा के फेंक देंगे बाहर। किसको? तुम्हें। तेरे पास तो पैसे है। मैं तो लड़की हूँ ना, मुझे क्यों छुएंगे। ओ भाई साहब, मैं सीधा बोल दूंगी एक्सक्यूज मी, फीमेल वेटर मंगाओ। वो फेंकेगी तेरे को बाहर। अबे तो फीमेल वेटर क्यों फेंकेगी, शदैन। ओहो चलो, सिक्योरिटी वाली फेंकेगी ना। ओ, एक ही बात है इसको। भाई भाई तू ताज ढाबे वाली है, तू यहाँ कहाँ आ रही है? तू दूर रह, दूर। कैसा लगा? गरीबों वाली फीलिंग आई? मुझे आई, क्योंकि वहाँ वेरी नॉर्मल फॉर मी। वहाँ गाड़ियाँ देख रहे हो, ये सारी मैंने शोरूम में देखी। चल यहाँ पर एक डांस स्टेप करके दिखा। ये कार्टून है एक नंबर की। और दूसरा बैठे बैठे ये मैंने बचपन में सीखा था। सो सीन ये है कि हमने चाय ऑर्डर नहीं करी है, और यहीं पर ही इनका वो है, स्कैन करो। और स्कैन करोगे तो आपको इसी पे QR कोड से ही मेन्यू खुल जाता है। आज पता नहीं दिल्ली में गर्मी है यार, समझ नहीं आ रहा। एक ही स्वेटर पहना है बट बहुत गर्मी लग रही है। तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करी है, उसने फ्रूट ब्लिस करके ऑर्डर करा। पता है इसे स्वाद नहीं है, होता क्या है, पर वही ना बड़ी जगह पर बैठते ही तो जो चाय का रेट है वो 495 विदाउट टैक्सेस और जाती है 525 तक। जो हमने ऑर्डर करा है वो दोनों 525 का है, एक्सक्लूडेड है, टैक्सेस लगे नहीं है। तो टैक्सेस लग के क्या आएगा, अपने को क्या टेंशन, यही देगी, देखते हैं। कहीं मुझे देने पड़ेगा, वीडियो बना रही हूँ अभी, इसने सुना नहीं, वीडियो ही देखेगी। चलो जी, तो पहला घुट पी के बताओ आपका कैसा टेस्ट है। मेरा नींबू से नीचे गिर गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? इन लोगों को लगेगा तो नहीं मैं गरीब घर की। रिएक्शन टाइम। नींबू पानी है। स्क्वैश और टैंग गलत था, कड़वा नींबू पानी। कड़वा नींबू मुझे लगता है इन्होंने शायद ना गलती से बर्फ के पैसे चार्ज कर दिए। अच्छा, क्योंकि देखो ना बर्फ इनकी थोड़ी स्टाइलिश है। मुझे लग रहा है इसमें छोटा सा ग्लास बना हुआ है,
निकाल तुझे क्या लग रहा है ये? ये देखो, अगर मैं हाथ से निकाल तो सकती हूँ, लेकिन ये लोग मुझे गवार समझ के बाहर निकाल देंगे। हाँ जी, तो आप सभी का साहिल के फूड ब्लॉग में स्वागत है। सो आज हम टेस्ट करने जा रहे हैं ताज की कोल्ड कॉफी। जो रहेगा ना दूध, प्लीज हिंदी च बोलो। दूध च इन्होंने थोड़ी जी कॉफी, चीनी भी इन्होंने, इन्हों का हिसाब किताब नहीं बनिया चीनी का, थोड़ी जी लिटल बिट ऑफ चीनी, लिटल बिट ऑफ दूध, मोर ऑफ वाटर। बट ठीक है, 525 रुपए के हिसाब से ठीक है। जो हम 10 रुपए वाली बनाते हैं वो ज़्यादा स्वाद होती है, बट ये 550 के हिसाब से ठीक है, काम चला लेंगे। भाई साहब बहुत तेज है। खैरी मैंने ये उठाऊंगी, एक शॉट लेना खाते हुए बनाते हुए का, और मेरे लिए दो पीस बचे हैं 5-6 लपेट की। तुम ठीक से शॉट नहीं ले रहे हो। बेटे चंटगिरी मत कर तू। अच्छे लगे वैसे तेरे को ये? बहुत स्वाद। थैंक यू। एक्चुअली हमारी बात हो गई है, पेमेंट ये करेगा और ईएमआई में मैं भरूंगी। 100 रुपए पर मंथ। 39 रुपीज़ ऊपर। वो डिस्काउंट भी नहीं दोगे क्या? कम ऑन यार, दोस्ती की है निभानी तो पड़ेगी। यही होता है भाई, वॉशरूम याद आ जाता है, कैश नहीं है याद आ जाता है, पैसे नहीं है याद आ जाता है। मैं लड़की हूँ ना। मुझे सब याद रहता है। कब क्या डायलॉग मारना है। पैसे नहीं देने। ये चौकीदार की भर्ती ताज में करेगी, उसके लिए कर रही है। पोज दे पोज अच्छा सा। अच्छा एक दे। ये क्या उड़ेगी क्या ऊपर? अच्छा एक पोज दे अपना बेस्ट। हाँ बेस्ट, इसका बेस्ट सबसे घटिया। इसको और पोज आते नहीं कमर पे हाथ रखने के अलावा। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। हाँ दूसरा, ये सिर्फ कमर पे हाथ रखेगी। रख दिया फिर। तीसरा, बहुत बढ़िया फोटो आ रही है। आएगा ही नहीं। फिर कमर पे हाथ, फिर कमर पे हाथ। हाँ चौथा पांचवा, जितना भी हो रहा है देते जा, अच्छी फोटोज आ रही है चल। हाँ फिर कमर पे हाथ रखेगी। हाँ तेरी भाई इसको तीसरे मेरे कमर पे हाथ। चलो डन, अब वीडियो देख लियो अपनी, तुझे पता लग जाएगा क्या बोला मैंने। फोटो नहीं खींची एक भी? नहीं। क्यों? टाइम टू से बाय बाय टू ताज। मजा आ गया। क्या एम्बियंस है पीछे, है ना? अमेजिंग अमेजिंग। मतलब बस जो ड्रिंक थी वो स्वाद नहीं थी, बट बाकी सब अच्छा था। नहीं जनरली पीछे जो आप देख रहे हैं अमेजिंग। और मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, मैंने ड्राइवर को बुला लिया था, तो चलते हैं उसमें। 781 नंबर गाड़ी। नहीं नहीं इसको मजाक लग रहा है, हंस मत जाइयो तो इसमें। नहीं नहीं चलो 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 में जाइए। चलो बैठो यार इसमें। ओह शिट, मैं इसकी चाबी घर भूल गई, घर जाके चाबी लाती हूँ। ये पेंटिंग्स देख रहे हो? ओनली 58,000। एक्चुअली पता क्या है, मेरे को डायलॉग तो वहां भी मारना था, पर वहां एक आंटी आके खड़ी हो गई। ये वाली। अगर मैंने स्कूल में ये गलती नहीं की होती ना, अपनी पेंटिंग मैडम को नहीं दी होती, आज कसम से लाखों में बिक रही होती मेरी।